जी सजनों तो मित्रों दे वेलियो अस्सलाम वालेकुम। पंजाबी विरसा दे विच जी आया जनाब। अज एक बहुत ही अच्छा वाकया याद आया मैनू। वाकये तो बहुत सारे आ औलिया कराम दे नेक लोगों के वाकये बयान करने चाहिए और वही सुनने चाहिए, वही साढ़े लिए फायदेमंद। अज जिस हस्ती के बारे थोड़ा जहा तारफ कराना सारे वाकफ होंगे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही उन्होंने लकब दिल्ली शरीफ के आपका मजार शरीफ है। सादात खान का ना आपका तअल्लुक है और बहुत ही प्यारी गुदाज हस्ती हुए ने। हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर के मरीज होए ने, दो बड़े मरीज से हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर के। बहुत सारे खलीफे से हज़रत अलाउद्दीन साहब और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया छोटे से 3-4 साल के उन्होंने वालद साहब की डैथ हो यतीम हो गए। माई साहबा ने बड़े मुहब्बत प्यार दे नाल उन्होंने पालिया और दीनी सबक दीनी दर्स उन्होंने दिता। गुरबत बहुत सी, कमाण वाला कोई नहीं सी। माई साहबा आपकी सूत कतदियां हुंदियां सी, 8-10 दिन महीने बाद जाके वह बेचना बाजार दे विच सेल करना। सेल करके ते उहदे जो भी पैसा दमड़ी उस वक्त राज सी सिक्का राजुल वक्त वह उन्होंने लिया के अपने घर के सौदे लियाने। जाहिर है वो किन्नी कमाई सी खत्म हो जाती सी। और जिदन आपके घर के फिर फाके भी चलते सी। सब तो खूबसूरत गल वो ये दसनी चाह रहे हैं कि जिस दिन घर के फाका हुंदा सी उस दिन माई साहबा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया नूं ये कहंदियां हुंदियां सी कि अज असी अल्लाह दे मेहमान। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही समझ जाते सी कि अज साडे घर च खाण नूं कुछ नहीं है। वो समझ आते सी और वह सबर करते होंगे सी, बहुत ज़्यादा सबर करना फाके कई कई दिन कटने। एक दिन इस तरह होया कि आप मदरसे दे विच पढ़न वास्ते गए। आपका एक दोस्त सी, बहुत प्यारा दोस्त सी। वो दोस्त दे जिहड़े वालद साहब सी ना वो कुतवाली सी, यानी पुलिस विच सिपाही सी। उन्हें देखिया भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कई दिन हो गए। निज़ामुद्दीन उदों कहते सी वो कि निज़ामुद्दीन कई दिन हो गए, वालदा ने एक घरों सबक दिता सी आपनू कि उत्थे तुसी जाना। टिफिन लैके जाते हुंदे सी, रोटी नाल लैके जाते हुंदे सी। रोटी जिदन नहीं हुंदी सी आप कहते सी जदों रोटी का उत्थे वक्फा होवे तुसी जाके दूर चले जाना ताकि तुहानू उस रोटी की खुशबू ना आवे, तुहानू भुख ना लगे। 2-3 दिन आप लगातार गए। जदों उन्होंने दोस्त ने देखा कि जदों रोटी का वक्फा हुंदा आ खाने का टाइम हुंदा निज़ामुद्दीन किधर चले जाते हैं, लिहाजा हसबे रवायत आप उठे खाना कोल कोई नहीं सी, अल्लाह दे मेहमान से गए दूर चले गए। वो जिहड़ा दोस्त सी आपका खाना लैके अपना खाना लै गया सी घरों पिछे लैके चला गया। जदों गए तो आपने लकड़ां दे विच मूँह दिता होया ताकि खुशबू ना आवे, अल्लाह का जिक्र कर लिया। उन्होंने जाके बुलाया छेड़िया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, क्या निज़ामुद्दीन इत्थे की करदे हो? आप कहन लगे असी इत्थे अल्लाह का जिक्र करदे हुंदे हां। कहन लगे खाने का वक्त होया तुसी खाना नहीं खाना? आपने उन्होंने कहा कि नहीं सानू भुख नहीं हैगी। वह समझ गया कि इन्हां दे घर फाका है। उन्होंने लिहाजा अपना खाना उन्होंने पेश किया और बहुत बज़िद होकर उन्होंने खाना खड़ाया कि तुसी साडा खाना अद्धा तुसी खाओ अद्धा असी खाने। वो आपने खाना खा लिया, घर आके जदों दस्या वालदा साहबा नूं माई नूं कि असी वो खाना खा लिया, आपने कहा बहुत बुरा किया तुसी सबर तोड़िया, असी तो अल्लाह के मेहमान से तुसी बंदे के मेहमान बन गए। सो दोस्तों ऐसिया गल्लां आ ऐसिया बातें आ उन्हां लोगों के नाम होने जिहड़े मालक ते तवक्कल करदे आ। मालक ते तवक्कल करना मुश्किल ते बहुत आ, लेकिन जिहड़े कर जांदे आ मालक उन्हां दे नाल हो जांदा है। तो फिर उन्होंने जिहड़े मुरीदैन होए, मुरीद होए हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर दे, काम नूं उन्होंने अगे वधाया चलाया और एक पूरा निज़ामी सिलसिला उन्हां तों मनसूबा और पूरे बर्रे सगीर पाक हिंद विच पूरा निज़ामी सिलसिला चल रहा। बहुत शुक्रिया जनाब। ऐसा चीज़ा असं तुहाडे अगे पेश करांगे और इनू गौर करना कोशिश करना, मैं भी कोशिश करूँ तुसी भी करो कि इत्थे अमल किया जाए। जदों कोई ऐसी गलबात आए उत्थे सबर करना चाहिए। सियाने कहते हैं इंसान का अगर गुस्सा देखना, इंसान की अगर अकल देखनी है तो उदों देखो जदों गुस्सा चढ़िया। तो दोस्तों गुस्से दे विच हमेशा अकल का जिहड़ा दामन थाम के रखना, सबर का दामन थाम के रखना। अल्लाह साडा तुहाडा सब दा हामी नासर। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला।